हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, जहां पर आपकी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है और जिसमें आपकी 100% और डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन होने वाली है। किस तरीके से सारा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करूंगी, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है। हर एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। आपने वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना है। इसके अलावा इसके लिए आपका जो वर्क है आपका मोबाइल से वर्क रहने वाला है, सो हर कोई आप में से एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है, ज़रूर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना। मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई करना भी स्टार्ट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी किस तरीके से इसके लिए अप्लाई करना है। आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं, सो आप अपनी क्वालिफिकेशन अपने सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप वेबसाइट देख भी पा रहे हैं। गूगल पे टाइप करेंगे तब भी आपको फर्स्ट नंबर पे हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट के बारे में, जहाँ पे कोई एज की बाउंडेशन नहीं है। आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। कहीं जाना तो है नहीं, प्योरली वर्क फ्रॉम होम आपकी ये जॉब रहने वाली है, वो भी आपकी परमानेंट ये जॉब रहने वाली है। आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से है, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले क्या आपका वर्क रहने वाला है, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी इसके लिए अप्लाई करके आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाली है। तो अप्लाई प्रोसीजर भी आप ध्यान से समझ लेंगे। अगर आपने वीडियो को 2 सेकंड भी स्किप कर दिया, बहुत कुछ आप स्किप कर जाओगे, तो हर एक चीज़ को आपको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि आप में से हर कोई इसके लिए एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। 100% इसमें आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाली है, सो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और इसके अलावा ये आपकी जो हायरिंग है पैन इंडिया हायरिंग होने वाली है, मोबाइल से ही वर्क रहेगा, मोबाइल से ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है, जो मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी भी, क्योंकि सारे कैंडिडेट आप में से अब एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे के सारे आप ध्यान से समझ लेना है किस तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अगर हम सैलरी की बात करें, 15,000 तक इसमें आप पर मंथ अर्न कर सकते हैं, जहाँ पे कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए डायरेक्ट आपकी हायरिंग होने वाली है। सबसे पहले अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी ये जॉब रहने वाली है, जो कि कन्वर्सेशन से रिलेटेड आपकी जॉब रहने वाली है। प्रोफाइल की बात करें तो टेलीकॉलर की ये जॉब है, कहीं भी आपको नहीं जाना, कोई वर्क प्रेशर नहीं है, आप जितना चाहो अपने अकॉर्डिंगली इसके लिए वर्क कर सकते हैं। सो इसके लिए आपके अगर वर्क की बात करें, सिंपल सा वर्क है, आपको सिर्फ कस्टमर को कॉल करना है, कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना है और उनको पिच करना है कि वो आपसे प्रोडक्ट ले ले, तो उनको क्या क्या इसमें एडवांटेज मिलेंगे वो भी आपको सिर्फ बताना है। सिंपल सा वर्क आपका इसमें रहने वाला है। सो इसके बाद जो आपको लीड्स है ये दी जाएंगी, जो आपको डेटा दिया जाएगा उसको आपको बस सेल्स में कन्वर्ट करना है, उनको पिच करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपकी ये जॉब रहने वाली है। ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे ग्रोथ बहुत होती है। आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप इस प्रोफाइल के लिए ज्वाइन कर रहे हो, उसके बाद बहुत ग्रोथ होती है, आप अलग अलग कंपनीज के लिए ट्राई करते हैं, आपको पैकेज बहुत इसमें हाइक मिलता है। सो अप्लाई आपको ज़रूर से करना। बाकी ट्रेनिंग आपको कंपनी की तरफ से इसमें प्रोवाइड की ही जा रही है। नॉर्मल सी कन्वर्सेशन आपके कस्टमर के साथ होने वाली है, सिंपल वर्क आपका इसमें रहने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका वर्क इसके लिए रहेगा। सो जैसे आप उनको सेल के लिए पिच करेंगे, उनके प्रोडक्ट सेल होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली जितना आप वर्क करेंगे उतने अकॉर्डिंगली। सो अब बात आती है इसके लिए आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से समझ लेना। 100% आपको इसमें रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका फर्स्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। लास्ट में आप देख पा रहे हैं रिक्वायर्ड लिंक,
पहले ही लिंक पर आपको क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का, जो आप लिंक देख पा रहे हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद आपके पास आएगा ओटीपी रिसीव होगा आपके पास। जैसे आप ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, कई बार होता है ऑटोमेटिकली भी आपको उठा लेता है, तो आपके सामने इस तरीके का कुछ फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ये फॉर्म ओपन होगा, ये चीज़ें आप ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसी पर आपकी सिलेक्शन डिपेंड करती है। अब ये फॉर्म जो आपका ओपन होगा, यहाँ पर लोकेशन आपको कर लेनी है, आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। अपनी लोकेशन को सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन पे क्लिक करके। उसके बाद आपको अपना नेम मेंशन करना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कौन सी लैंग्वेज की आपको नॉलेज है, लोकल है, हिंदी है, इंग्लिश है या कोई अदर है। किसी के भी आपको नॉलेज है, लोकल लोकल लिख सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप इस जॉब को क्यों फाइंड कर रहे हैं या क्यों आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, आप यहाँ पे देख के कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फ्रेशर है, फ्रेशर पर क्लिक कर देना। एक्सपीरियंस है तो 0 या 1 ईयर कितना भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप में से हर कोई एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप करंटली क्या कर रहे हैं, आप फ्री है, फ्रेशर है या कहीं पे वर्किंग है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ मेंशन की हुई है, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह आपके क्या इसमें रहने वाली है, और ये आपकी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है। ये भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये आपका जो वर्क है मोबाइल से रहने वाला है, 6 to 8 hours तक आप इसमें पर डे वर्क कर सकते हैं, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगता है। आप चाहो 6 hours करो, आप चाहो 8 hours तक इसमें वर्क कर सकते हो। अब क्या है कि आपको जैसे जो मैंने डिटेल्स बताई है, अब आपको सारी फिल कर दी, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आप जो देख पा रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका एक छोटा सा असेसमेंट टेस्ट होने वाला है, उसी के बेसिस पे आपकी इसमें हायरिंग हो रही है। अब असेसमेंट टेस्ट आप देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये आपको रिकॉर्डिंग में आंसर देना है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके। क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत सिंपल है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इन्होंने मेंशन किया होगा, अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब मेंशन किया हुआ है कि ये पेन है 100 rupees का, आप इसको किस तरीके से कस्टमर को सेल करोगे। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई कस्टमर है या ओवर द कॉल है या आपके फ्रंट में कोई कस्टमर है, सपोज करो, तो आप उस पेन को उनको कैसे सेल करोगे। पहले तो आप उनकी नीड जनरेट करोगे कि उनको इस पेन की क्यों ज़रूरत है, उसके बाद क्या उनको आपका पेन लेने से क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। उसके बाद अब आपने नीड भी जनरेट कर दी, उनको सब कुछ बता भी दिया क्या उनको इससे बेनिफिट होने वाला है, अब बात आती है वो आपका ही पेन क्यों ले। तो आपको उनको कन्वेंस करना है कि वो आपका पेन क्यों ले। सिंपल सा इसमें आपका वर्क है, और उसके बाद जैसे आप अपनी रिकॉर्डिंग सबमिट कर देंगे, उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वहाँ पे मेंशन होगा थैंक यू, आपने अपना फर्स्ट राउंड जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन उससे पहले कंपनी आपका ये जो क्वेश्चन का आपने रिकॉर्डिंग में आंसर दिया उसका रिव्यू करेगी। और कंपनी की अगर बात करें गिग इंडिया जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, उनकी तरफ से जो अपडेट है आ चुका है। पहले भी ये वैकेंसीज आई थी, आई थिंक 2 months पहले, लेकिन पोस्ट अलग थी, वो भी वर्क फ्रॉम होम थी। हमारे चैनल से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं उनकी में हायरिंग हुई थी, जरूर आप इसके लिए अप्लाई कर देना। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको उसके बाद देखने को मिलेगी, वो तब देखने को मिलेगी जब आपका टीम रिव्यू कर लेगी, सब कुछ ओके रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, सेकंड राउंड आप क्लिक मीन्स आप सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। सेकेंड राउंड के लिए आपको उनकी ऐप डाउनलोड करके ही अप्लाई करना होगा, या आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर सैलरी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया आप जितना वर्क करेंगे उतनी आप सैलरी इसमें अर्न कर सकते हैं, पर डे की, पर वीक की, जितना आप वर्क करेंगे। फिक्स सैलरी नहीं है, सो जितना आप अपने अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप मंथली 15,000 तक इसमें अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी कैपेबिलिटी है, आप कितना वर्क करते हैं, कितना आप क्लाइंट को कन्वेंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया अपडेट है, अगर एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर करना। लिंक मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा जो वैकेंसीज आई है हमारी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।